सो वी आर हैविंग अ प्रोजेक्ट ऑफ फॉर्ड एंडेवर जहाँ पे लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट हमने डाला हुआ है. हाई दिस इज रविशा फ्रॉम फिल्म शॉपिंग. सो ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया द क्लाइंट वॉज सुपर एंथुसियास और उसको पहले से पता था कि मुझे कैसा चाहिए एग्जैक्टली. इस कार के अंदर जब गाड़ी हमारे पास आई तो वो मेट पीपीएफ लगी हुई थी ग्लॉस उन्होंने रीपेंट करवाया था और उसके बाद उसको मेट फिनिश करने के लिए उन्होंने मेट पीपीएफ लगाया था. तो हमने पूरा मेट पीपीएफ पहले निकाल दिया एंड कॉन्सेप्ट सिंपल था कि उनको पूरा ब्लैक एडिशन करना है फ्रॉम इंटीरियर एंड फ्रॉम एक्सटीरियर एंड साथ साथ में उनको सिर्फ और सिर्फ वो पर्पल एस्थेटिक्स देने थे. तो हमने फिर इस प्रोजेक्ट को लिया हाथ में. सारे हमने जितने भी पेंट है मतलब जो मैट पीपीएफ लगा हुआ था उसको निकाला और बहुत सारी जगह पे पेंट डैमेज हो गया था. तो हमने ऑल द प्रोसेस ऑफ द पेंट वी हैव डन एंड हमने फिर ब्लैक कलर इसमें ग्लॉस ब्लैक कलर को ही हमने सिलेक्ट किया फॉर द एक्सटीरियर पार्ट एंड जितने भी क्रोम पार्ट्स थे या जितने भी दूसरे कलर्स थे पूरी कार के ऊपर एक्सटीरियर में वो हमने क्रोम वो सारा डिलीट कर दिया एंड पूरी कार को हमने ग्लॉस ब्लैक किया हुआ है. एंड पर्पल के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ की हुई है. हेडलाइट की जो DRL है वो कंपनी में से इट वॉज वाइट DRL वो हमने RGB कलर की स्ट्रिप्स अंदर डाली हुई है. सो कंट्रोलर विद अ स्ट्रिप. सो इससे क्या हो गया कि व्हेन वी वांट टू डू एनी अदर कलर वी कैन डू बट हमने स्पेशली पर्पल कलर को ही सेव किया हुआ है. एंड जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर के अंदर हमने डेमोनाई किया हुआ है और वो भी हमने पर्पल कलर का ही एक्चुअली में इट इज़ अ RGB बट वी हैव सेव द पर्पल कलर. सो फ्रॉम द फ्रंट साइड हमने DRL और डेमोनाई यही पर्पल रखा हुआ है एंड विंडशील्ड जो है विंडशील्ड के ऊपर हमने कैमेलियन फिल्म जो ब्लूइश टोन में आती है पर्पलिश ब्लूइश टोन में आती है वो हमने डाली हुई है. सो फ्रंट में से हम जब गाड़ी देखेंगे तो वो सिर्फ पर्पल टोन दिखेगी एंड बाकी पूरी कार इट इज़ ब्लैक. एलॉयज को भी हमने ग्लॉस ब्लैक किए हुए हैं एंड दिस वॉज फ्रॉम द एक्सटीरियर साइड. फ्रॉम इंटीरियर साइड हमने कंपनी में से जो कलर आता है कॉम्बिनेशन दैट इज़ बेज एंड ब्लैक. तो जहाँ जब भी बेज था उसको हमको ब्लैक में कन्वर्ट करना था. सो जितने भी ट्रिम पार्ट्स थे उसको हमने पियानो ब्लैक किया. जितने भी प्लास्टिक पार्ट थे उनको हमने प्लास्टिक पेंट किया हुआ है और बाकी का जो लेदर एंड फैब्रिक पार्ट था वो हमने चेंज कर दिया. तो सीट कवर्स वी हैव गिवन माइक्रोफाइबर नापा लेदर एंड उसमें जितने भी स्टिचिंग थे वो हमने पर्पल लिए हुए है एंड सीट बेल्ट हमने पर्पल किया हुआ है. सो इतना मिनिमल करने के बाद कार इज़ लुकिंग एक्चुअली वाओ फ्रॉम इंटीरियर ऑल्सो एंड क्लाइंट वॉज क्रेजी फॉर द ऑडियो. सो ही इज़ अ प्योर SQ लवर. उसको बास भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था एंड ऑडियो ही वॉन्ट्स अ गुड क्वालिटी ऑडियो. सो हमने ऑडिसन का Bit 1 प्रोसेसर जो 9-channel प्रोसेसर आता है वो इंस्टॉल किया हुआ है एंड फ्रंट एंड रियर ऑल 4 एक्टिव किया हुआ है और वूफर हमने हारमन गार्डन का इंस्टॉल किया हुआ है विच इज़ 2 वूफर. सो पीछे हमने एक वूफर लगाया बट क्लाइंट को और उससे ज़्यादा थोड़ा सा बास चाहिए था तो हमने ड्यूअल वूफर किया है. दोनों वूफर 2 ohms पे हमने एक मोनो एम्पलीफायर पर रन किया हुआ विच इज़ रॉकफोर्ड का एम्पलीफायर एंड ये वूफर जो है इट इज़ स्पेसलेस वूफर. सो पूरी गाड़ी के अंदर हमने जितना भी इंस्टॉल किया हुआ है ऑडियो को लेके वो कुछ भी विजिबल आउटर साइड नहीं है और वो स्पेस कट नहीं करता है. एंड ऑडियो को लेके हमने RTA भी किया हुआ है एंड क्लाइंट को साथ में रख के हमने हर एक स्पीकर को ट्यून किया हुआ है एंड हमने उसका जो प्रीसेट उस तरह से बनाया हुआ है कि सेंटर स्टेजिंग हमने प्रीसेट लिया हुआ है. सो ऐसा ही लगेगा कि सेंटर से म्यूज़िक आ रहा है. सो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव डन इन एंडेवर
एंड समटाइम्स मिनिमल चीज़ें करके भी गाड़ी को पूरा कस्टम इफेक्ट भी हम दे सकते हैं, एंड ये हमने इस गाड़ी के साथ किया हुआ है। सो थैंक यू टू द क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने हमको ये प्रोजेक्ट दिया हुआ, एंड प्रोजेक्ट करने में भी हमारी टीम को भी इतना ही मज़ा आया है, एंड ये मिनिमल में भी हमने बहुत कुछ किया हुआ है। सो फॉर एनी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन फॉर योर कार, वी लव टू कस्टमाइज द कार एज पर योर पर्सनलाइज टेस्ट। यू कैन कनेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।